खेल के प्रति माना पाठक का लगाव बढ़ता ही जा रहा है। टुंडी विधानसभा में विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित हो रहे खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को उत्साह वर्धन करने में माना पाठक कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर स्टार स्पोर्टिंग क्लब कमांडी द्वारा आयोजित स्टार स्पोर्टिंग क्लब एवं सेवन स्टार क्लब को कुआ बांध फाइनल मुकाबले में झारखंड जनहित मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष माना पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। माना पाठक ने खिलाड़ियों से मिलकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और आयोजनकर्ता को धन्यवाद दिया। उन्होंने विजेता टीम स्टार स्पोर्टिंग क्लब कमांडी को ट्रॉफी एवं प्राइज वितरण किया। माना पाठक ने आगे कहा कि टुंडी के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, उसे निखारने एवं उचित मंच देने की जरूरत है। आज का यह कार्यक्रम जो है कमांडी में प्रतिवर्ष होता है और बहुत ही सुंदर तरीका से जिस तरह डिसिप्लिन अनुशासनात्मक यहाँ के युवाओं का एक जोश देखे एक सिस्टम देखे बहुत ही तरीका से यह टूर्नामेंट करवाता है, चाहे फुटबॉल का हो चाहे क्रिकेट का हो या सामाजिक स्वार्थपूर्ण की बातें हो। यहाँ के युवाओं से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ कि इन लोग बराबर देखते हैं, यह लोग समाज में बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। आपका भी सहयोग खिलाड़ियों के प्रति बढ़ रहा है, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं जी, जिस तरह का उम्मीद रख रहा है उस तरह तो हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन जब हमारे हाथों को इन लोगों के द्वारा मजबूती होगी तो मैं पूर्ण रूप से इन लोगों का सहयोग पावन दिवस पर स्टार स्पोर्टिंग क्लब कमांडी के द्वारा प्रतिवर्ष की भारतीय इस वर्ष भी जिस तरह का आयोजन अनुशासनात्मक ढंग से किया जाता है, इसके लिए मैं हृदय स्तर से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मंच में विराजमान हमारे जिला परिषद सदस्य गुरुचरण दासियाली सिंह चौधरी जी, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे जीतू बाबा, हमारे साजिद भाई एवं तमाम मंच में अतिथिगण, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। टुंडी के खिलाड़ियों में या पूरे झारखंड की बात की जाए तो खिलाड़ियों में कोई भी प्रतिभा की कमी नहीं है, हर खिलाड़ी में प्रतिभा कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन इसे संवारने की जरूरत है। हमारे खिलाड़ी लोग भी जान लगा के बहुत प्रयत्न करके खेलते हैं, लेकिन इन लोगों को सही मुकाम नहीं मिला जाता है। होता है कि जिला में भी ऑफिस है, राज्य में भी ऑफिस है, लेकिन वैसा एक कोई सरल तरीका नहीं है जहाँ से खिलाड़ी अपना खेल का प्रदर्शन करके आगे तक पहुँचा जाए। इन सब चीज़ों पर एकमात्र कसूरवार है यहाँ का जनप्रतिनिधि लोग। जनप्रतिनिधि लोगों का उदासीनता या सरकार की व्यवस्था का उदासीनता कहा जाए कि झारखंड में ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी होने के बावजूद उन लोगों को जगह नहीं मिल पाता है। लेकिन हम एक बार जरूर कहेंगे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कि आप लोगों ने घोड़े को देखते होंगे कि उनके आंखों के बगल में एक पट्टी लगा रहता है, इसका सिर्फ एकमात्र कारण होता है कि वह इधर उधर न देख के अपने मंजिल पर आगे बढ़ते रहे। ठीक उसी तरह आप लोग भी अपने आप को कंसंट्रेट करके खेल के प्रति अपना लगाव रखते रहिए, एक न एक दिन आप लोगों को भी जगह मिलेगा। बस यही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।